हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज एक्सरसाइज 9.1 लेके आ गया हूँ। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हम अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपेजियम। जो एक टेबल है, ये देखिए बुक में हमारे दिया हुआ है, टेबल एक बना हुआ, एक टेबल है वो ट्रेपेजियम के आकार का है। कैसा? ट्रेपेजियम, समलंब के आकार का। अब समलंब क्या होता है, हम कुछ देर में अभी चर्चा करते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा हो जाए, है ना। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका हमें जो ये ट्रेपेजियम के आकार का है, टेबल की जो सरफेस है, टॉप सरफेस, उसको हमको एरिया, इसकी हमको एरिया निकालनी है। इफ इट पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, यदि इसकी पैरेलल साइड कितनी है, एक 1 मीटर है, दूसरी 1.5 मीटर है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.8 मीटर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 0.8 मीटर, ठीक। अब देखिए, तो ट्रेपेजियम बोला है ना, ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम होता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी दो साइड क्या रहे, आपस में पैरेलल रहे, कोई भी दो साइड्स क्या रहे, पैरेलल रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, समांतर है सी डी के, ठीक है ना, तो ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। या तो फिर जरूरी नहीं कि यही साइड्स इक्वल रहें, मतलब सम पैरेलल रहें, ये साइड्स भी पैरेलल हो सकते हैं, मतलब इस तरह भी हमारा फिगर या चित्र हो सकता है। ए बी सी डी, इसमें कौन कौन साइड देखिए पैरेलल हैं, इसमें ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, एक साइड पैरेलल है एक तरफ की, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है हमारा फिगर, ये देखिए, ये साइड पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। या फिर इस तरह से भी बन सकता है, ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं दो साइड्स, तो क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम या समलंब कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपस में ये साइड्स पैरेलल हैं कि नहीं है, है ना, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम इफ इट्स एरिया। जो जो दिया है पहले हम वो लिख देते हैं ना, गिवन दिया है, क्या दिया है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, कितनी दिया है, 1 मीटर दिया है ना, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इक्वल टू 1 मीटर, एंड सेकंड साइड कितनी दिया है, सेकंड साइड इक्वल टू 1.2 मीटर, है ना, लेंथ ऑफ सेकंड साइड इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इसको हम h मान लेते हैं, h इक्वल टू कितना दिया है, हाइट है ना h, तो इसको हम 0.8 मान लेते हैं। और वन पैरेलल साइड, इसको a इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1 मीटर, और ये b इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर, है ना, 1.2 मीटर दिया है, तो 1.2 मीटर लिख लीजिए, है ना, यहाँ 5 है, ठीक। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो हम लोग अब एरिया निकालना है, चूँकि ये ट्रेपेजियम के आकार का है हमारा टॉप सरफेस, तो इसलिए हमको ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो लिख देते हैं, समलंब का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर चूँकि टॉप सरफेस एरिया इसका पूछा है, तो लिख दो एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, कितना हो जाएगा,
इसका फार्मूला होता है ट्रेपेजियम का, हम लोग पढ़े हैं 1/2 × height, और जो पैरेलल साइड होती हैं, जो पैरेलल साइड होती हैं समलंब में, उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसमें ये साइड का नाम है ए, इसकी लेंथ है वी, है ना, और ऊंचाई है इसकी, हाइट है एच, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 मतलब हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का सम, है ना, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, तो कितना हो जाएगा, एच इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2, एच कितना है देखिए 0.8, एच कितना है हाइट, हाइट हो गई, ए कितना है, ए है 1 मीटर, और प्लस बी कितना है 1.2 मीटर। तो इसको लिखिए 1/2 × 0.8 इंटू 1 + 1.2 कितना हो जाएगा 1.2, है ना, इसको काटिए कितना होगा ये 0.4 आएगा ना। अब देखिए 0. अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 × 2.2, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 0, 2 × 4 = 8, 2 × 0 = 0, तो 8, 8 + 0 = 0, दो अंक बाद दशमलव है, तो 1.2, 0.88 कितना आ जाएगा। अब चूंकि एरिया है तो एरिया हमेशा किस में रहेगा, स्क्वायर में, है ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे मीटर में था ना तो मीटर स्क्वायर, है ना, ये हमारा क्या हो जाए, आ जाएगा आंसर। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, हमको एक टेबल दिया था, उसकी पैरेलल साइड दी हुई है, है ना, और उसकी लेंथ बताई गई है और हाइट, परपेंडिकुलर हाइट बताई गई है कि इतनी है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोगों को पता है क्या होता है, जो दोनों ट्रेपेजियम क्या होता है, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो, दो साइड्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो, दो साइड्स आपस में पैरेलल हो तो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। अब इसमें दो साइड्स ये पैरेलल थी और हाइट परपेंडिकुलर हाइट एच है इसकी, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का कि 1/2 × height, और दो जो पैरेलल साइड है उनका सम, तो ए प्लस बी, हम ए इसकी लेंथ मान लिए थे, इसकी भी ए प्लस बी, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 cm² एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 cm एंड इट्स साइड इज 4 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमको इस बार क्या किया है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब का एरिया क्षेत्रफल दे दिया है और बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड दे दिया है एंड हाइट, और उसकी हाइट दे दिया है मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो दे दिया है, और हमसे दूसरी साइड पूछ रहा है, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, है ना, ये देखिए एक ट्रेपेजियम बन गया। अब इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 cm², वन ऑफ द पैरेलल साइड 10 cm, कोई भी एक साइड इसमें से ये या ये कोई भी एक 10 cm दिया हुआ है, और हाइट दिया है 4 cm, है ना, मतलब हाइट ये परपेंडिकुलर हाइट ये कितना दिया है 4 cm, ठीक। तो अब हम लिख देते हैं जो जो दिया है गिवेन, गिवेन लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम कितनी दी हुई है 10 cm, है ना, इक्वल टू 10 cm, ठीक। हाइट कितना दिया हुआ है देखिए, हाइट इक्वल टू है 4 cm, ठीक। अब मान लेते हैं अदर साइड कुछ है ना, बी ए जो भी मानना हो, लेट द अदर, अब देखिए अब दूसरी साइड हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी कुछ मान लेते हैं, लेट द, इसको वन साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम ए इक्वल टू लिख देते हैं, उसको बी मान लेंगे, ए इक्वल टू 10 cm, ताकि फार्मूला लगाने में क्या हो, आसानी रहे, है ना। लेट द अदर पैरेलल साइड इक्वल टू कितना मान लूँ, बी, ठीक है ना।
है ना, हाइट यहाँ h इक्वल टू लिख दीजिए, अधिक बढ़िया रहेगा फार्मूला चूंकि लगाएंगे ना। और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रहा है, इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको दूसरी साइड निकालनी है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, लिख देंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है ना। अब फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 पुट कर दीजिए इंटू हाफ इंटू एच, एच है कितना 4 इंटू ए प्लस बी, ए दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और बी हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इंटू 4 है तो 2 2 जा 4, कितना हो जाएगी ये 34 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी। अब बोथ साइड डिवाइड बाई अगर 2 कर दूँ, 2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर भी अपान 2, तो क्या करते हैं आप लोग नीचे, मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखिएगा बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2। वैसे एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना इक्वल टू के, तो दूसरी तरफ अगर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है ना, सीधे भी हो सकता था लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2, 34 अपान 2 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी अपान 2। 2 से ही क्यों हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2 को इसको हटाना है, यहाँ 5 होता तो हम 5 से डिवाइड कर देते, 6 होता तो 6 से डिवाइड करते है ना। या तो हम ऐसा भी कर सकते थे इंटू में है इक्वल टू की इस तरफ आएगा, दूसरी तरफ तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 2 बन जा, 2 कट गया और 34 अपान 2 17 आएगा है ना, और 1 इंटू 10 प्लस बी तो 10 प्लस बी ही रहेगा, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 17, और प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, मतलब बी इक्वल टू 17 माइनस 10 7। अब साइड है ना, तो साइड किस में रहती है, सेंटीमीटर में, तो 7 सेंटीमीटर आप यूनिट ठीक से लिखिएगा है ना, 7 सेंटीमीटर। वैसे भी यहाँ पे क्या हो, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर इधर जब अपान में हो जाता, मतलब ये अपान 2 सेंटीमीटर आता ना, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता, सेंटीमीटर ही बचता है ना वैसे भी, ठीक। तो लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है ना, हैंस द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, आ भी जाता है तब भी कुछ ना कुछ कमेंट आप कर दीजिए है ना जल्दी से। तो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, इसमें क्या दिया था हमको, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल समझते हैं क्या होता है, ये पूरा अंदर का एरिया है ना, ये पूरा अंदर का एरिया क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो ये हमको निकालना था ठीक, और ये दिया कितना था, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, एक लेंथ हमको दी हुई थी, दूसरी लेंथ हमको निकालनी थी, हाइट दी हुई थी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आप याद रखेंगे 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं है ना। अब अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी, एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, उसकी जो फेंस है मतलब बाउंड्री है, मान लो ये तार से की हुई है या किसी से, वो 120 मीटर, कितनी है इसकी लेंथ 120 मीटर पूरा है ना, यहाँ से ए से बी से सी, सी से डी, डी से ए है ना। फिर बोलता है इफ़ बी सी इक्वल टू 48 मीटर, बी सी कितना है, बी सी हमको दिया है 48 मीटर। फिर बोलता है सी डी इक्वल टू 17 मीटर, ये क्वेश्चन में चित्र दिया है ना 17 मीटर, ए डी इक्वल टू 40 मीटर दिया है। फिर बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया हमको बता दें, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, जो साइड
ए बी है वो परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी के, जो पैरेलल साइड ए डी और बी सी है उसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए ट्रेपेजियम, तो आप लोग फिर से एक बार बता रहा हूँ ट्रेपेजियम क्या है। जब किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो, दो साइड्स आपस में पैरेलल हो, दो साइड आपस में पैरेलल हो तो क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम दिया था, फिर बोल रहा था जो ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड है उसके परपेंडिकुलर ए बी है ना, ये हमको बता दिया है। देखिए सबसे पहले जो हमको निकालना क्या है, हमको बोलता है फाइंड द एरिया, हमको पहली चीज़ एरिया निकालनी है और दूसरी चीज़ साइड ए बी जो परपेंडिकुलर, बस इतना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला, वन अपान टू इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है, मतलब जो पैरेलल साइड है उसका सम। तो हाइट, हाइट परपेंडिकुलर हाइट तो यही ए बी कहलाएगी ना, तो ए बी हमको नहीं पता है, तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग। एक बात समझिए, दिया हुआ है कि जो फेंस है मतलब ये जो बाउंड्री बनी हुई है वो कितने मीटर की है, अगर इसकी लेंथ मापें तो 120 मीटर, कितने 120 मीटर की। तो हमको तीन तरफ की लेंथ दिया है, चौथे तरफ की नहीं दिया है, मतलब चारों को अगर हम जोड़ें तो चारों मिला के कितनी लेंथ होनी चाहिए, 120 मीटर। अगर तीन तरफ की लेंथ है तो चौथी लेंथ हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल लेंथ 120 है मीटर है। तो इन तीनों को हम अगर जोड़ देंगे और 120 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं ये वाली लेंथ, है ना। तो यहाँ से अगर हमको ये लेंथ आ गई तो यहाँ से फिर हम फार्मूला लगा दें, वन अपान टू इंटू एच हाइट और इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी। देखिए गिवन क्या क्या दिया है, एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी, गिवन ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी, चुप रहो, चुप रहो, शांत बैठे रहो। ठीक है, ट्रेपेजियम से फील्ड ए बी सी डी, और फिर इसमें जो जो दिया है आप लिख दीजिए, ए वेयर, इस कलर से बी सी इक्वल टू कितना दिया है 48 मीटर, सी डी इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इक्वल टू 40 मीटर, है ना। तो लिख देंगे, और भी क्या दिया है, लेंथ ऑफ द फेंस, है ना, लेंथ ऑफ द फेंस, द फेंस ए बी सी डी इक्वल टू कितना दिया है 120 मीटर, है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं, बिकॉज या चूंकि लेंथ ऑफ द फेंस इक्वल टू क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द फेंस मतलब इन सब कुछ ऐड किए होंगे तब ना आया है, तो मींस लेंथ ऑफ द फेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस टी ए, है ना। इन इसको 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 ये चारों तरफ की साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ द फेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो लेंथ ऑफ द फेंस हमको दिया है कितना 120 मीटर, तो हम पुट कर देते हैं, ए बी इक्वल टू हमको नहीं पता है, बी सी की वैल्यू हमको पता है 48 मीटर, है ना, यहाँ भी लिखा है वो देख लीजिए चित्र में, सी डी की वैल्यू कितना दिया है 17 मीटर, डी ए की वैल्यू कितना दिया है ए डी की 40 मीटर, तो चलिए ऐड कर लेते हैं, तो 120 मीटर इक्वल टू ए बी प्लस 8 प्लस 7 प्लस 0 तो 15 आएगा, 8 प्लस 7 15 की कैरी 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 120 15 मीटर 105 मीटर, है ना। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए,
120 मीटर और प्लस 105 मीटर इधर आएगा तो माइनस 105 मीटर, तो कितना हो गया ए बी इक्वल टू 120 माइनस 105 15 मीटर आ जाएगा ना, ए बी की लेंथ कितनी आ गई 15 मीटर। अब हम इसके बाद आसानी से फार्मूला पुट करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। तो 1/2 हाइट कितनी दिया हुआ है, यह ए बी ना हाइट कहलाएगी, है ना, परपेंडिकुलर हाइट, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, तो यही कहलाएगी हाइट। तो ए बी कितना है 15 मीटर, ए प्लस बी ए कितना है, ए दिया है हमको 40 मीटर, इन दोनों पैरेलल साइड है ना, इसी का सम होता है ना, तो ए दिया है 40 मीटर और बी दिया है 48 मीटर, दोनों को ऐड करिए तो 1/2 × 15 इंटू 40 प्लस 48 कितना आ जाएगा 88। अब 2 से चाहे 88 काट दो, 2 4 जा 8 मतलब 15 इंटू 44 मल्टीप्लाई करिए 15 4 जा 66 करिए 15 4 जा 60 60 प्लस 6 66 है ना। अब एरिया है तो मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक, समझ में आई इतनी बात, तो आपसे ये बन जाएगा, हमको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्विक रिवाइज। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम सेट फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर, इन इसकी पूरी जो लेंथ है फेंस की वो कितने दिया था 120 मीटर, मतलब ये पूरे साइड्स की लेंथ पूरा जब जोड़ेंगे, इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं ना, ये कितना दिया है 120 मीटर। इफ़ बी सी मतलब इन तीनों की लेंथ दिया, बी सी 48 मीटर, सी डी इतने मीटर और ए डी इतने मीटर, फिर हमको बोल रहा है कि इसकी हमको ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल फाइंड करो, है ना, कितना ये क्षेत्रफल है इसका। तो सीधी सी बात है, अगर चारों का मिला के 120 था, तीन का इतना है, तो चौथे का हम आसानी से निकाल सकते हैं, 120 माइनस इन तीनों को जोड़े तो 105 आए, 105 तो 120 माइनस 105 तो 15 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब जब परपेंडिकुलर हाइट हमको पता है और जो पैरेलल साइड्स हैं उसकी लेंथ पता है, तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, तो निकाल दिए। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, उसका डायगोनल कितना दिया है 24 मीटर, मतलब एक विकर्ण की लेंथ, एक डायगोनल की लेंथ लंबाई दी हुई है 24 मीटर। द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। यहाँ से जो वर्टिसेस हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, किस पे, डायगोनल पे, एक 13 मीटर का है, दूसरा 8 मीटर का है, ये हमें दिया हुआ है फिगर में। अब फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, अब हमको इस पूरे फील्ड का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ हमको ये तो नहीं पता है कि ट्रेपेजियम है कि क्या है, है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमने बेसिक की जब वीडियो पढ़ा था पार्ट 1 में, तो वहाँ पे पॉलीगन मतलब किसी भी चतुर्भुज का या किसी भी शेप का क्या किए थे, वहाँ पे हम लोग एरिया निकाले थे, है ना। तो सेम मेथड जैसे क्या कर दें हमको, हमको मान लो ये हेक्सागन है ना, ये देखो एक इसका एरिया फाइंड करना, तो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका हम इसको यहाँ बीच से अलग कर लें, अब ये ट्रेपेजियम बन गया एक और ये एक, तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है, मान लीजिए यही हेक्सागन दिया हुआ हो, दो तरीके से भी, और दूसरे तरीके से भी निकाल, हम ऐसे कर लें इस तरह से, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है ना, ठीक, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके, इसी प्रकार अब यहाँ पे डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना, डायरेक्ट के लिए हमें इतनी चीज़ें भी नहीं दी गई हैं लेंथ के, है ना, सब कुछ। तो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन सकता है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से अब ट्रायंगल अगर मान लें एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना निकाल लें, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, तो आसानी से ये एरिया फाइंड हो जाएगा कि नहीं, टोटल का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले
हम लिख देते हैं जो दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं ना, सी डी, लेट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मान लिया मैंने क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये, है ना, इसका नाम दे दिया। फिर सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल बी डी इक्वल टू 24 मीटर, है ना, और परपेंडिकुलर हाइट इसको E मान लो, इसको F मान सकते हो। तो आप लोग लिख दोगे ड्रॉप फ्रॉम इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इक्वल टू 13 मीटर, सी एफ इक्वल टू 8 मीटर, है ना। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ए बी डी निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हम लोग पढ़े 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, यही ना होता है, आधार गुणे ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे 24 और हाइट कितनी है 13, तो 12 इंटू 13 करिए, 12 3 36, 12 1 12 + 3 15, है ना, एरिया कितनी आ जाएगी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इसी पर एंड क्या निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 24 ही है, हाइट कितनी है 8 है, 2 4 8, 24 × 4 करिए, 4 4 16, 4 2 81 9 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब दोनों को हम लोग जोड़ दें, इसकी एरिया कितनी आ गई है 156, इसकी एरिया कितनी आ गई है 96, दोनों को ऐड कर दीजिए, हैंस टोटल एरिया ऑफ अ ऑफ द लिख दीजिए, है ना, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना आ जाएगा, 156 प्लस 96 मीन्स 6 6 12 9 9 + 5 14 + 1 15 और 2 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।